बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से ओपन मार्केट का एक्सचेंज रेट क्या रहा, मैं क्यों आपको दोनों मोबाइल दिखा रहा हूँ। ये कुछ आपको पता, टैक्सीज के मामला था कल बहुत चले हुए हैं पाकिस्तान, खासकर परदेसी भाई। कल वाली मेरी मैंने वीडियो में जिक्र कर दिया था कि हम जो गैर मुल्की है पाकिस्तान में जब जाएंगे तो हमें वो ऐसे निकालेंगे जैसे बेलने में से गन्ना निकालता है। तो वो कल वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था इस बात का। अच्छा, एक मैं आपको ना रेट तो भी मैं आपको बताया, तो एक मज़े वाली चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं। मुझे ना कल एक भाई का मैंने क्विंट पढ़ा, सुन लें ना, हम पाकिस्तान ना पाकिस्तान पैसे भेजेंगे, ठीक है जी, ना हम पाकिस्तान आने, ना हमें पाकिस्तान आने की ज़रूरत है और ना हम पाकिस्तान आएंगे, अल्लाह हाफिज़, स्यापा ही ख़त्म। उन्होंने बोला भाई कि ना पंजाबी दस दो, ना असी पैसे भेजने हैं, ना असी पाकिस्तान आना है, ना सानू को आने की जरूरत है, अल्लाह हाफज, तुहाडा पाकिस्तानी हो तो स्यापा मौका। अच्छी बात है, जो मामला है आप यहाँ से मोबाइल लेकर जाएंगे अपने लिए या किसी के लिए, उसके ऊपर टैक्स निकाल दो, उतने का मोबाइल नहीं जितना टैक्स निकाल दें। ये रिकॉर्डिंग चल रही है इसी मोबाइल से, मैं आपको वरना हाथ में पकड़ कर दिखा देता। मेरे चैनल की ये मेरा ख्याल पहली या दूसरी वीडियो थी ये इसी मोबाइल से रिलेटेड, HTC M9 Plus। सऊदी में तो अभी बंद हो चुका है शिरका, पूरी दुनिया में बंद हो चुका है, लेकिन मैंने यही यूज़ किए। अच्छा, बात ये है कि ये मोबाइल मैं आपको क्यों बता रहा था, ये मोबाइल मैंने पाकिस्तान मार्केट में घूमा, मेरे चैनल के ऊपर पहली दूसरी वीडियो पड़ी हुई है कम्प्लीट, आप देख सकते हैं जाकर पुरानी। और मैंने मार्केट घूमा, 7,000 रुपये मुझे मिलते थे इसके तकरीबन टोटल मार्केट में, और मैंने इसका टैक्स जब पूछा था 6,500 के 7,200 रुपये टैक्स था इसका, भी उतने का मोबाइल उतना टैक्स निकाल दो। अच्छा जी, अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान के मामलात के ऊपर रहम करे, मैं यही बोलूँगा। मामलात बहुत बहुत घनौनी तरफ जा रही हैं, अगर सीधी बात कर दूँ मैं ऊपर से। भाई आपको पता है पाकिस्तान में रहने वाली आवाम जो बिजली के बिलों ने उनका हिला कचूमर निकाला है ना, बस अल्लाह ताला की ज़ात हिफाजत करे तमाम मेरे मिड तबका भाइयों की। मैं सीधी बात करूँ, वो हमारी फैमिली है, क्यों हम भाई लो क्लास के यहाँ पर आकर मेहनत करते हैं और कमाते हैं। अच्छा, बहरहाल जी रेट के मतलब चलते हैं, वीडियो तो फिर लंबी होती जाएगी। आज का ओपन मार्केट का रेट 73-30 के अराउंड में है, वो वही है, एजेंट लूट रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान से आप रियाल मत एक्सचेंज करें, यहाँ बैंकों से भेज दें, वो बेस्ट है। एक्सचेंज रेट वैसे जो शो हुआ है वो 74 रुपये 14 पैसे है, 22 रुपये 25 इंडिया एंड 31 रुपये 24 पैसे ये बांग्लादेशी टका है। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, बैंक जजीरा यानी कि फौरी बैंक, इनका रेट अच्छा होता है, 73 रुपये 49 पैसे रेट है जी इनका, 10-17 एंड 23 सेल्फीज के साथ। पहले मैं आपको मैं अच्छा अच्छा रेट बता दूं यार, उसके बाद हम चलते हैं वेस्टर्न यूनियन की तरफ। वेस्टर्न यूनियन आज का पता क्या रेट शो हुआ है, 73 रुपये 56 पैसे जी, और 10-17 एंड 23 सेल्फ इनकी फीस है। और पाकिस्तान में यकीन बने, पाकिस्तान में 73 रुपये 56 पैसे पाकिस्तान में बैठे हुए जो वेस्टर्न यूनियन के बैंक है ना, वहाँ ये रेट वहाँ नहीं मिल रहा है। अच्छा बहरहाल जी, आगे अगर बात करें मनी ग्राम की तो 73 रुपये 38 पैसे रेट, आप अगर क्विक पे से भेजना चाहते हैं जो कि 73 रुपये 36 पैसे रेट दे रहा है, और फीस भाई वही है 10-17 एंड 23 रियाल। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब, यानी कि अभी मैं आपको थोड़ी डिटेल, STCPA की बात करें 73 रुपये 28 पैसे रेट है, 10-17 एंड 23 रियाल फीस के साथ। राजी बैंक तहवीर राजी 73 रुपये 29 पैसे रेट, 10-17 एंड 23 रियाल फीस के साथ। अगर वेस्टर्न यूनियन को बता चुका हूँ, मनीग्राम की बात कर लें, मनीग्राम भी आपको बता चुका हूँ यार मैं। इंजाज बैंक बिलात की बात करें 73 रुपये 33 पैसे रेट, और 10-17 एंड 23 रियाल भाई इनकी भी फीस है। अगर आप भाई फ्रेंडी के थ्रू भेजना चाहते हैं तो फ्रेंडी का जो आज का रेट है वो 73 रुपये 36 पैसे रहा, और 10-17 एंड 23 रियाल इनकी भी फीस होती है।